अक्षय तृतीया महापर्व की आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में आप सभी का अनेक अनेक और कोटिशह अभिनंदन। रोहिणी नक्षत्र, मंगलवार और साथ में चंद्रमा जैसे ग्रह वृषभ राशि में उच्चस्त, सूर्य उच्चस्त, राहु और केतु उच्चस्त, तो वहीं शुक्र भी एग्जॉल्टेड पोजिशन यानी कि उच्चस्त अवस्थाओं में, हालांकि कुछ ही दिनों में अपनी पोजिशंस को चेंज कर जाएंगे और उसके साथ में सोने में सुगंध देने वाला यह त्यौहार सर्वार्थ सिद्धि के साथ में जिस मुहूर्त की गणना अबूझ संख्यक मुहूर्त के रूप में की जाती है वो अक्षय तृतीया, जिस दिन स्वर्ण जरूर खरीदनी चाहिए। अपनी क्षमताओं के अनुसार आप स्वर्ण खरीदें और फिर उसके साथ ही साथ में जो जीवन क्रम है उसके अंदर आप एक नवीन ऊर्जा पाते हैं, जो खुद के संचय करने की स्थितियां हैं उसमें लगातार सुधार पाते चले जाते हैं। आपको स्वर्ण इस दिन जरूर खरीदनी चाहिए, भले ही हम पूरे वर्ष पर्यंत संघर्षों की स्थिति के साथ में, भले किसी और स्थिति के साथ में चल रहे हों, किंतु एक मनी के फ्लो को हल्का सा चेंज करके इस दिन आपको सोना परचेस के लिए जाना चाहिए, तो उसके रिजल्ट लॉन्गर टर्म के ऊपर बहुत अच्छे मिलते हैं। जहां पर क्षरण न हो वो है अक्षय, जहां मोह का क्षरण हो जाए वो है मोक्ष, और जहां पर किसी तिथि का या फिर किसी स्थिति का क्षरण न हो वो है अक्षय। तो अक्षय तृतीया के इस त्यौहार के दिन ये खरीदारी करने के लिए या फिर कोई भी नवीन कार्य की शुरुआत करने के लिए आप जा सकते हैं। वाहन आदि अपने व्यापारिक गतिविधियों के अंदर बढ़ाने के लिए कोई ऐसी वस्तु लेना चाहते हैं, कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपको नितांत रूप से उन सारे के सारे क्षेत्रों के भीतर जरूर बढ़ना चाहिए, जिससे एक लॉन्गिटिविटी स्थितियों के भीतर बनी रहती है और साथ ही साथ में जो बेनिफिट मिलना चाहिए बिजनेस के अंदर या व्यापारिक या घरेलू स्थितियों के अंदर वो पूरे तरीके से मिलता है। शादी के लिए भी ये जो मुहूर्त है अबूझ संज्ञक मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। तो इस दिन का राशिफल क्या कहता है, मेष से लेकर मीन राशि तक के व्यक्तियों के लिए राशिफल क्या कहता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। जहां पर ऐसे ग्रह उच्चस्त स्थितियों के भीतर विराजित हों, चंद्रमा जैसे ग्रह मन के कारक ग्रह मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए जब एग्जॉल्टेड पोजीशंस के अंदर रहेंगे तो कुटुंबी जनों के साथ में आपकी जो डोमिनेशन है वो पूरे तरीके से निकल कर सामने आएगी, और साथ में ही व्यापारिक निर्णय के अंदर जो सूझबूझ पैसों के साथ में चाहिए होती है वो भी अच्छे से निकल कर आती है, जो संपन्नता की ओर इंगित करती है। नवीन कार्य भले ही छोटे से छोटे स्तर के ऊपर भी आप करें मेष राशि वाले जातक, अगर आप किसी व्यापार के भीतर संलग्न हैं, छोटी से छोटी वस्तु अपने यहाँ पे नई जुड़ें जिससे वो जुड़ाव क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में आपके लिए बेनिफिट देता हुआ दिखाई देगा। औद्योगिक समूह या फिर औद्योगिक इकाई के अंदर आप हैं वहां पर भी कोई अगर स्थिति को परिवर्तित करना चाहते हैं, शुक्ल पक्ष और उसके ऊपर अक्षय तृतीया, इसे कहा क्या कहा जाएगा, इससे बढ़िया स्थितियां क्या हो सकती है, सर्वार्थ सिद्ध स्थितियां हैं। अपने कामकाज के भीतर नवीन ऊर्जा को समाहित करते चले जाइए, साथ ही साथ में वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को यहां पर सर्वप्रथम अगर कोई सलाह दी जाती है तो आप इस दिन हनुमंत उपासना के लिए जरूर जाइएगा, हनुमंत मंदिर आप दर्शन जरूर कर आइएगा, साथ ही कोई भी हनुमंत मंदिर के ऊपर अगर आप एक ध्वजा चढ़ाते हैं तो उसे और श्रेष्ठतम परिणाम देने वाला आपके लिए कहा जाएगा। अगर सिनेमेटोग्राफी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कैमरा पर्सनल्स आप अगर हैं, मीडिया पर्सनल हैं जहां पर फ्लैश लाइट के साथ में आप लगातार चलते हैं, तो वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये दिन नई शुरुआत के लिए बेहतरीन कहा जा सकता है। दोपहर के बाद में अपनी रफ्तार को एक परवाज दीजिए और किसी भी नए निर्णय की तरफ आप चलते चले जाइए। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, अगर आप मेटल इंडेक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, सोने चांदी के व्यापार से अगर आप संबंधित हैं, तो इस दिन आपको अगर कोई भी शेयर के भीतर सौदेबाजी वगैरह करनी है या फिर कोई मेटल आदि खरीदना है, मेटल की खरीद फरोख्त के भीतर खुद को इनिशिएट करना है, किसी नए मेटल के साथ में अपने व्यापारिक गतिविधियों को मिथुन राशि वाले व्यक्ति शुरू करना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए सबलता भरा और प्रबलता भरा कहा जा सकता है। बेनिफिट उठाइएगा, अपनी रफ्तार को परवाज दीजिए और चलते चले जाइए। इस दिन आपकी फिजिकल एक्टिविटीज जो है एक लेवल के ऊपर निकल कर आएगी, भागम भाग एक लेवल के ऊपर निकल कर आएगी। आपको तक होने पर यह लग सकता है कि आज की भागम भाग व्यर्थ सिद्ध हुई, किंतु उसकी सार्थकता का अंदाजा अगले 2 से 3 दिन के भीतर भीतर आपके सामने आएगा, जिसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाता है, वो स्थितियां कई बार निकल कर आती है। वहीं पर अगर कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए हम चर्चाओं की शुरुआत करते हैं, तो आप देखिए कि लाभ
की स्थितियाँ, और वो भी मेटल के साथ मिलाप की स्थितियाँ, तरल पदार्थों के साथ मिलाप की स्थितियाँ, और इसके साथ में कोई भी ऐसा एडिबल ऑयल आदि का सेक्टर हो, उन सब के साथ में लाभ की स्थितियाँ बनी हुई है। किसी भी नए व्यापारिक सौदे के लिए आप जा सकते हैं। नौकरी के भीतर परिवर्तन की संभावनाएं अभी बन रही है, तो 2 से 3 दिन आपको भी रोकना चाहिए। इस दिन तो कर्क राशि वाले व्यक्ति विशेष रूप से टालकर आगे जाने का कार्य करें। वहीं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगर हम चर्चाओं की शुरुआत करते हैं, तो आप देखिए कि अगर आप जॉब चेंजेस के अंदर कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, या फिर अगर आप जो है आपको लग रहा है ये डर सता रहा है लंबे समय से कि मुझे पिंक स्लिप मिल सकती है, मुझे नए इनिशिएटिव ले लेने चाहिए, तो आपको तयशुदा तौर पर उन सारी की सारी गतिविधियों के साथ में आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई भी पिता अगर अपने पुत्र को, जैसा मैंने पिछले दिन भी कहा था आज भी कह रहा हूँ, अगर व्यापार में संलग्न करना चाहते हैं तो इस दिन से श्रेष्ठ कोई और दिन हो नहीं सकता। अपनी थाती, अपनी विरासत और अपनी जो सारा का सारा अनुभव है, अगर वो नवीन पीढ़ी को आप सौंपना चाहते हैं, तो ये दिन उस स्थिति के हिसाब से सार्थक और शानदार कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि वाले व्यक्ति, अगर आप फैशन इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहे हैं, किसी भी मॉल के साथ में जो टेक्सटाइल संबंधी कामकाज होता है उसके साथ में आप लगातार क्रियाशील हैं, गतिशील हैं, या फिर फैब्रिक के किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, ये दिन आपके लिए सही कहा जा सकता है। नए इनिशिएटिव लेने के लिए दोपहर के बाद का समय और शाम के बाद का समय आपके लिए श्रेष्ठतम स्थितियों का निर्माण करने वाला होगा, और इसके साथ ही मीडिया इंडस्ट्री के साथ में कोई भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग्स की तरफ जाना पड़ता है तो एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग हो सकती है लंबे समय के लिए, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रख के चलिएगा। मन के उज्ज्वलित होने वाली स्थितियां और अज्ञात भय लगातार कन्या राशि वाले व्यक्तियों को इस दिन सताएगा। सुबह के साथ में ही चंद्रशेखर अष्टकम का वाचन जरूर करें। भक्त वत्सल मंचितम निधिमक्षयम हरिदंबरम सर्वभूत पतिम परात्पर मप्रमेय मनोत्तमम सोमवार जभूहुता सोम पारी लखा कृतिम। तो ऐसे ही लगातार स्पंदन के साथ में जो चंद्रशेखर अष्टकम है उसका वाचन जरूर करें। एक नवीन स्पंदन और नवीन ऊर्जा लगातार प्रस्फुटित होती चली जाएगी और अज्ञात भय जीवन से पूरे तरीके से दूर हो जाएंगे। वहीं तुला राशि वाले व्यक्ति, अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल के सेक्टर के साथ में जुड़े हुए हैं, या फिर अगर आपका कोई सलून वगैरह है, या फिर आप ऐसे ही किसी और कामकाज के साथ में जहां स्वैंकी एटीट्यूड के साथ में चलना पड़ता है, जहां पर पंप एंड शो की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो तुला राशि वाले व्यक्ति, भले ही वो इवेंट मैनेजमेंट हो या फिर जो है आप एंकरिंग वगैरह के कामकाज से भी खुद को संबंधित करके चलते हैं, कोई नए स्पॉन्सर्स अगर आप ढूंढ रहे हैं या फिर किसी और व्यक्ति के साथ में कोलैबोरेटिव अप्रोच में चलना चाहते हैं, ये दिन आपके साइनिंग के हिसाब से बहुत बेहतर कहा जा सकता है। बढ़िए दुगनी रफ्तार के साथ में कामकाज को बढ़ाते चले जाइए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, अगर आप मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल शॉप के अंदर कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, व्यक्ति के हेल्थ केयर से संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, नई शुरुआत के लिए ये दिन दोपहर के बाद से आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। और नई पद्धतियों का अगर आप खुद के भीतर संचार करते हैं या नई पद्धतियों को जोड़ते हैं उस माध्यम से भी ये दिन आपके लिए अच्छा बना हुआ है। धनु राशि वाले व्यक्ति, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट की ओपनिंग के लिए जाना चाहते हैं आप, और साथ ही साथ में जो एक तरह से व्यक्ति के भीतर संतोष की स्थितियां पनपी हुई रहनी चाहिए, उसके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस दिन शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक आदि आप जरूर करें। और साथ में ही आप देखिए कि किसी घरेलू कामकाज के साथ में कोई भी महिला जुड़ी हुई है और वो भी अगर कुछ अपने कंफर्ट जोन को आगे बढ़ाकर निकलना चाहती है, एक नए लेवल के ऊपर पहुंचना चाहती है, तो आप जा सकते हैं। इस कामकाज के हिसाब से भी ये दिन अच्छा बना हुआ है। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप देखिए कि अगर आप लोह संबंधित वस्तु के साथ में जुड़े हुए हैं, ये दिन अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। नवीन संभावनाएं निकलकर आपके लिए आ सकती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए भी दिन अच्छा कहा जा सकता है, और टिम्बर मार्ट आदि से आप जुड़े हुए हैं तब भी ये दिन नवीन संभावनाओं वाला। बस यही ध्यान रखें कि डायबिटीज के जो लेवल आदि हैं वो लगातार सिमेट्रिक अप्रोच में बने रहें, खान पान के ऊपर आप नियंत्रण करके चलें तो उसे अधिक बेहतर कहा जाएगा। वहीं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए आप देखिए कि इस दिन की स्थितियों की अगर हम डिटेल में बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ में अगर आप कुछ भी नया जोड़ना चाहते हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को इस दिन रुकना नहीं चाहिए। साहित्य के साथ में आपका संबंध है और आप बढ़ रहे हैं, अगर आप क्रिटिक हैं
तो ये दिन आपकी स्वीकार्यता के हिसाब से शानदार कहा जाएगा। कोई कई लोग रिव्यूज आदि लिखने वाले होते हैं, एक रिव्यू उन्हें उस स्तर के ऊपर पहुंचा देता है कि पूरी जिंदगी बदल कर रह जाए। इस दिन आलस की प्रवृत्ति को त्यागिएगा, हल्का फुल्का आलस्य पनप सकता है। अपने जो कार्य है, अपने जो एग्जीक्यूशन है, उसकी तरफ जरूर पूरी रफ्तार के साथ में जाइए, आप अच्छे निर्णय अपने सामने आते हुए देख पाएंगे। वहीं मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए हम अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन संबंधित कामकाज से नई इनिशिएटिव्स लेने के लिए आपके ये दिन बेहतर कहा जा सकता है। और साथ ही साथ में अगर आप किसी भी मेटल के कामकाज से जुड़े हुए हैं, ये दिन अच्छा शेयर मार्केट के साथ में, अगर छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स के साथ में भी आप बढ़ते हैं तब भी बढ़िया कहा जाएगा। रियल एस्टेट संबंधी कोई कामकाज रुका हुआ था तो इस दिन और अगले दिन की संभावनाओं के अंदर वो परिपूरित होने के लिए पूरे तरीके से जा सकता है। और इसी तरह हमें इस दिन दान के साथ में जरूर बढ़ना चाहिए। जहां पर श्रद्धा पनपती है वहां है दान। व्यक्ति हासिल करने के लिए इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर कहीं भी चला जाए संतुष्टि नहीं है, किंतु जब वो दान के साथ में इस जीवन को आगे बढ़ाता चला जाता है। दान क्या है? हम ना देने वाले हैं, हम ना लेने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन की स्थितियों को देखें तो कहां से मिला, किस तरह मिला, कहां से आया और किस तरह गया, इसकी कैलकुलेशंस के अंदर व्यक्ति खुद को उलझावा पाता है। समझता है कि ये डिसीजन मेरे द्वारा लिया गया, लेकिन उसके पीछे के पूरे सामंजस्य को, कोर पोजीशन को देखे तो एक अलग ही अर्थ निकल के आते हैं। कहीं भी स्तर के ऊपर हों, किसी भी स्तर पर बढ़ते हों, किंतु दान की महिमा संतुष्टि के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने वाली कही जा सकती है। इस हाथ से देने और इस हाथ से लेने वाली प्रवृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ें। अक्षय तृतीया इसी एक तरह से महाप्रयोजन का अवसर है और महादान का अवसर है। लगातार उसके साथ में चलते चले जाएं हम और जीवन को संपन्नता के प्रतीक के रूप में स्थापित करते चले जाएं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां हमारे इस जीवन दर्शन से कुछ न कुछ सबक ले सके। भले ही मासेस के ऊपर वो पोजिशन नहीं हो, किंतु पार्टिकल्स के ऊपर भी वो पोजिशन हो, किंतु कोई ना कोई सबक लेने वाला हो। प्रेरणा और प्रभाव जब जीवन में टूटने लगते हैं तो स्थितियां अलग तरीके से निकल कर आती है। तो वही समागम है अक्षय तृतीया का, आपके सारे मोह का क्षरण हो और साथ ही साथ में जीवन में नवीन ऊर्जा अक्षय के रूप में बनी रहे, अक्षय स्थितियों के रूप में बनी रहे। परम पिता परमेश्वर से इन्हीं कामनाओं के साथ में एक बार फिर से आज आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। एक बार पुनः अक्षय तृतीया जैसे महापर्व की आप सभी को अनेकों अनेक और कोटिशह शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।